डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉम स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एमएस एक्सेल 2016 के अंदर अपनी वर्कशीट में फॉर्मूलाज को हाइड करना और अनहाइड करना, ताकि कोई भी सेकेंड पर्सन आपकी शीट के अंदर किसी भी फॉर्मूला को ना देख सके और ना ही उसके अंदर एडिट कर सके। आप देख सकते हैं कि हमने एक रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है, जिसके अंदर हमने सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स एंड एवरेज निकाली हुई है, और उसके बाद कॉलम के एंड में हमने कुछ कॉलम्स की ओवरऑल एवरेज भी निकाली हुई है। हम चाहते हैं कि कोई सेकंड पर्सन हमारे शीट के अंदर हमारे फॉर्मूलाज को ना देख सके, यानी कि हमने अपनी वर्कशीट के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले लगाए हैं और किस फॉर्मूला के अंदर किस किस सेल को हमने एड किया हुआ है। तो इसके लिए आपको अपनी कंप्लीट वर्कशीट सेलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, या फिर आपकी वर्कशीट के लेफ्ट टॉप कॉर्नर के अंदर आप एक सिंगल क्लिक से कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल वन, जिससे फॉर्मेट सेल की विंडो आपकी ओपन हो जाती है, और लास्ट टैब प्रोटेक्शन के अंदर आपको लॉक्ड बाय डिफॉल्ट क्लिक मिलेगा, तो आपको इसे यहां से अनक्लिक करना है और उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिन सेल्स के अंदर आपने फॉर्मूलाज यूज किए हुए हैं, बट आपने अपनी पूरी वर्कशीट के अंदर कहां कहां फॉर्मूलाज को यूज किया है इसे फाइंड करना बहुत टिपिकल होता है, बट इसके लिए आप होम टैब के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जाएं और क्लिक कीजिए फॉर्मूलाज, और आपकी वर्कशीट के अंदर जहां जहां फॉर्मूलाज यूज हुए हैं उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता है। सभी फॉर्मूला सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको कीबोर्ड से कंट्रोल वन प्रेस करना है, और इस बार आपको लॉक्ड एंड हिडन दोनों को ही क्लिक करना है और ओके करना है। इसके बाद केवल इन्हें क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्मूलाज को हाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार के अंदर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके लिए आपको रिव्यू टैब के अंदर जाना है और क्लिक करना है प्रोटेक्ट शीट पर। प्रोटेक्ट शीट के अंदर आपको सिलेक्ट लॉक सेल्स एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल को क्लिक रखना है और पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ आप कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, ओके कीजिए, और वही पासवर्ड आपको री एंटर करना है एंड क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए जिसके अंदर आपने फॉर्मूलाज यूज किए हैं, वो फॉर्मूला आपको आपके फॉर्मूला बार के अंदर शो नहीं होगा। इस तरह से कोई भी सेकेंड पर्सन आपकी वर्कशीट के अंदर आपके किसी भी फॉर्मूला को नहीं देख पाएगा। अगर वो एडिट करने की कोशिश करता है या किसी भी फॉर्मूले के अंदर डबल क्लिक करने की कोशिश करता है, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, दिस सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इन ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट टू मेक ए चेंज अनप्रोटेक्टेड शीट। अगर आप इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट कीजिए, और अनप्रोटेक्ट बिना पासवर्ड के आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप अपनी शीट के अंदर अपने सभी सेल्स को जिसके अंदर आपने फॉर्मूलाज लगाए हैं हाइड कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी वैल्यू के अंदर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए राम के हमें हिंदी के अंदर मार्क्स चेंज करने हैं 60 हैं, बट हमें यहाँ 75 करना है। आप देख सकते हैं कि आपके टोटल मार्क्स और एवरेज दोनों ही चेंज हो गई हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि गगन के हमने हिंदी के अंदर मार्क्स चेंज करने हैं, और जो कि गगन के फिलहाल जो टोटल मार्क्स है वो 281 है। अगर हम इसके अंदर मार्क्स चेंज कर देते हैं 86 कर देते हैं, तो टोटल मार्क्स जो है वो 291 हो गए हैं। इस तरह से आप अपनी वैल्यू के अंदर चेंज तो कर सकते हैं, बट अपने फॉर्मूलाज को ना तो एडिट कर सकते हैं और ना ही उन्हें फॉर्मूला बार के अंदर शो कर सकते हैं। अगर आप अपने फॉर्मूलाज को अनहाइड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आपकी वर्कशीट अनप्रोटेक्ट करनी होगी। इसके लिए आपको क्लिक करना है अनप्रोटेक्ट शीट, और आपको पासवर्ड एंटर करना है और ओके कर देना है। इस तरह से आप अपने फॉर्मूलाज को देख पाएंगे और एडिट करना चाहें तो एडिट कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपने सीखा अपनी वर्कशीट के अंदर फॉर्मूलाज सेल्स को हाइड करना, अनहाइड करना और प्रोटेक्ट करना। होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।